हेलो जी। तो हम उठ चुके हैं, आज है 15 रमजान, सहरी के लिए उठ चुके हैं। तो हम चल रहे हैं सहरी लेने के लिए। अभी सहरी लेके आते हैं, फिर सहरी करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसकी वजह से सहरी लेट करेंगे, लेकिन अभी टाइम है सहरी का भी 3 बजे हैं। A few moments later. सहरी सहरी ले आए, हम लेट उठे थे इस वजह से आज सहरी लेट लेकर आए हैं। तो रात को फिर बारिश हुई है, मौसम फिर ठंडा हो गया है। आज 15 रमजान है, रमजान शरीफ का पता ही नहीं चल रहा, 15 रोजे हो गए हैं। टाइम तो ऐसे गुजर रहा है जैसे पता ही नहीं चल रहा। 15 रोजे भी हो गए और पता भी नहीं चल रहा कि रोजे 15 हो गए। अभी हम करने लगे हैं सहरी, सहरी करते हैं आराम से, सहरी करेंगे फिर नमाज पास पढ़ेंगे। 20 मिनट्स लेटर सहरी वहरी करके फर्क हो चुकी हैं, अभी नमाज का अज़ान का वेट करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। तो आज थोड़ा लेट हो गए थे, लेट उठे थे सहरी के लिए, क्योंकि सब रात को लेट सोए थे, फिर लेट उठते ही हैं। आप पता है रमज़ान में थोड़ा रूटीन चेंज होती है, जिसकी वजह से बंदा लेट सोता है, सुबह लेट उठता है। ये देखे डॉन जी भी, हमारे भी नींद में ही है, सब सब नींद में है अभी। बहुत मुश्किल है नींद उठना, हाँ बहुत मुश्किल है नींद उठना यार। अच्छा, हो गया थे यार सुत पड़ने रात को, रात को लेट सोए थे। अरे सोते हैं ना 1 बजे फिर 2 बजे बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अभी सोना तो ना हुआ ना फिर। हाँ यार मतलब जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठना होता है, पता भी है। A few moments later. रूम में आ चुका हूँ, इधर देखें मियाँ साहब सोए हुए हैं। मियाँ साहब, हेलो मियाँ जी, घोड़े बेच के सो गया, नाल ही सहरी कर दे सारी है, राती जल्दी सो जाएगा, पता भी सुबह जल्दी उठना होता है, फिर भी हटते नहीं है। सही सही रात पता नहीं की करते ने, अज भी डॉलर कमाए ने मिया। हेलो मिया जी, आवाज ही निकल रही है मुंडे की। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। रमजान जो है बड़ा ही बाबरकत महीना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की मगफिरत करनी चाहिए जितना भी हो सके। इस स्पेशल इस जो अशरा है, ये जो चल रहा है मगफिरत का, तो इसमें जितना हो सके इंसान को अपनी जो भी इंसान से गलतियाँ हुई हैं उनकी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी रमज़ान जो है सर्दियों की तरफ गामजन है, क्योंकि अभी ये बारिशों का मौसम तो नहीं था, लेकिन बारिशें अनएक्सपेक्टेड हुई हैं, बेमौसमी जिसको कह लें कि बेमौसमी बारिशें हुई हैं, और जिसकी वजह से रमज़ान ठंडा हो गया है। तो रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं, पता ही नहीं चला रोज़ों का, तो 15 हो गए आज। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अभी कल की बात है कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, और आज 15 रोज़े हो गए हैं। तो बहुत थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल में रह गया है, इंशाल्लाह अभी 5 दिन बाद इतकाफ़ शुरू हो जाएगा, फिर आगे ईद का सारा शुरू हो जाएगा कि शॉपिंग कर लो, ये ले लो, वो ले लो, कपड़े ले लो, जूते ले लो, बस इसी गहमा गहमी में ईद भी आ जाएगी, ईद भी गुजर जाएगी। टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि जा कहाँ रहा है, मतलब माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ सुबह सहरी इफ्तारी इतना मज़ा आता है, क्योंकि हम यहाँ पे आउट ऑफ सिटी से हैं, इस वजह से हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, सहरी भी खुद लानी पड़ती है या बनानी पड़ती है, और शाम को इफ्तारी का भी खुद ही अरेंज करना पड़ता है, फिर बहुत सारे काम हैं जो हमें खुद ही करने पड़ते हैं। और यही अगर हम घर पे हों तो और बात है, घर वाली बात जो है ना वो कहीं भी नहीं है। लेकिन घर में सहरी एक ही दफ़ा हुई थी, जब कोरोना आया था, तो वो जो 18 रोज़े थे हमने बड़े इन्जॉय किए घर में,
मतलब सुबह सैरी करना उठ के, मतलब सारा सारा कुछ आपकी टेबल पर। शाम को सैरी, शाम को अफतारी कर, अफतारी के लिए भी आपको कुछ नहीं करना पड़ता था। यही होता था कि भाई से अगर कोई सामान वगैरह लाना है तो वो घर वालों को ला देना, बहुत चंगा ना मैं। तो आपको हर चीज़ बनी बनाई आपके दस्तरखान पे आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे ना, सिनेरियो कुछ और है, यहाँ पे खुद ही करना है सारा कुछ, तो इसलिए सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है। रात को फिर नींद नहीं आती, इस वजह से सुबह कभी लेट भी हो जाते हैं, तो उठने में आपको पता है नींद पूरी ना हो तो फिर उठने में भी दिक्कत होती है। जैसे कि आज हमारे शाहदेव साहब उठे ही नहीं है, रोज़ा ही रखा। तो A few moments later. आपके भाई ने नमाज़ पढ़ ली है, नमाज़ पढ़ के फ्री हो चुके हैं, तो अभी आपका भाई लगा है सोने, तो क्योंकि फिर सुबह उठना भी है, तो अभी सोते हैं और फिर बाद में मिलते हैं। 3 hours later. तो जी, हम रेडी शेडी हो गए हैं, अब जाने लगे हैं हम ऑफिस, तो अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में निकलते हैं ऑफिस के लिए। सैरी वगैरह करके हम सो गए थे, अभी उठे हैं, तो तैयार श्यार होके नहा धो के अभी ऑफिस के लिए निकलेंगे। A few moments later. तो जी, हम निकल आए हैं ऑफिस के लिए। ये देखें, कदे भी साथ है, पैदल ही मार्च करना पड़ता है। अब ऑफिस जा रहे हैं पैदल, 10-15 मिनट की वॉक है, फिर हम स्पीडो पे बैठेंगे, तो आगे चल के आपको दिखाते हैं स्पीडो पे। स्पीडो पे बैठ के बर्कर मार्केट जाएंगे, बर्कर मार्केट से फिर आगे। A few moments later. आपका फ्री पहुंच चुका है बर्कर मार्केट, बर्कर मार्केट से आगे हम भी ऑटो के सफर करके प्रोटोकॉल के लिए। तो जी, हम मॉडल टाउन पहुंच चुके हैं, यहाँ से कुछ ही दूर हमारा ऑफिस है। आज तेज़ धूप निकली हुई है, लगता है आज गर्मी पड़ेगी काफ़ी। रात को बारिश हो गई थी तो सुबह मौसम अच्छा था, अभी लग रहा है कि गर्मी पड़ेगी आज, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। 6.5 hours later. तो जी, आपका भाई ऑफिस से घर आ चुका है। घर आते ही अब हम तैयारी करने लगे हैं इफ्तारी की, सामान वगैरह ले लिया। आज हमारा मूड है कि घर पे इफ्तारी बनाए, और साथ में बनाए मटर वाले चावल। ये देखें, भाई साहब मटर निकाल रहे हैं और दूसरे भाई अभी चावल भी भिगो रहे हैं। तो अभी साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कैसे बनाने, हम बनाते हैं हम, और साथ में आपसे बात भी होगी। हाँ जी मियाँ जी, सुनाओ, अच्छे मटर वाले चावल चलन, ते होर नाल की किनू हाँ सैलरी नहीं मिली। चलो कोई नहीं, सामान तो हम ले आए हैं, बाकी पकौड़े वगैरह वो ले आएगा बाकी। देखें, प्याज काट रहे हैं मियाँ, यहाँ से कुछ अजब ऐसे नहीं निकला कि भैन कला लगे हैं, कोई फौज में ना फौज खिला नहीं है, तो ना दो अरे अच्छा, मिनट लड़ दे कर लिया यार, काट लो गले गले हो गए। बंदा जल्दी लिया तुम्हारे यार, चावल का चोक रहे ना, मैं भी साफ कर रहे हैं, चावल चेक करो यार। चलो यार, जल्दी जल्दी करो। 2 प्याज हम डालेंगे इसमें, और ये चावल हाफ मैंने साफ करनी है भाई, अच्छा और ये बाकी वही लगे हुए हैं अभी। अच्छा, हम ये आप क्या देख रहे हैं यार, तो मैं नहीं आ सकता, काम कार अपना तो इधर भी ही कर रहे रहे हैं। हैं वो मैं ही कर रहे हैं। ओ भाई, हाँ बहुत चंगा ना मैं। तो मटर तो खुला नहीं दिया है, तो और पता नहीं की करेगा। अस्सी यार, अस्सी यार, इधर देखो यार, मटर पुलाव बनाने से चस आ जानी है, चस आ जानी है, जरा स्पाइसी है, मिनट बाद सी सी करने। मैं कहना चस करा देनी है। ठीक हो गया, ये देखे भाई, हम लगे हुए हैं सामान साफ करने और बनाने लगे हैं। ये भाई प्याज काट रहे हैं और ये अपना, मटर निकाल रहे अपना, हैं। अपना अपना बनाने का अपना ही मजा है, चस आ जाती है, साफ सुथरा धो शो के अच्छी तरह बनाता है बंदा। हाँ यार बिल्कुल, चावल दे तेन पता, जे डॉक्टर ने मना भी किया तो भी खाने हैं। देखो बना भी आवा तेन पता मार ना ना है यार, बनाई दे भी तेन पता, फिर क्यों फटा लगा।
यार भैया आपने चेंज नहीं किया कुछ भी, आप ऐसे बनाने लग गए। यार मैं कहना जल्दी जल्दी तैयार हो जाए ताकि नहीं तो पहले बाकी सामान भी लेके आना फिर। हैं बाकी सामान भी तो लेके आना ना आपा माना साल रहने साहब क्या कह रही हैं आप? मटन निकाल रही है मटर निकाल रही है मटन कह रहे हो आप? अच्छा लग गया यार। आप फिर झगड़ा कर रहे हैं भाई, क्या हो गया आपको? कंट्रोल कंट्रोल छोटा सा है ये, लेकिन मशीन पूरी लगी हुई है इसके अंदर। काम बड़े बड़े करता है, बड़े बड़े। अभी हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन की तरफ ये सामान जो है वो किचन में रखेंगे। ये हमारे एक जो सर
अभी बहुत थके हुए आए ऑफिस से। क्या हुआ, थक गए हैं? कितना के थके हैं? साल है नहीं दादा, पोड़े क्यों ले गए आदमी? गिलास दे यार। ये हैं डॉन। डॉन अभी सेब काट रहे हैं, डॉन अभी सेब काट रहे हैं और उसके बाद खजूरें ये वॉश करके ले रहा है पानी से। ये हमारे समोसे पड़े हुए हैं और 5-10 मिनट में ये हमारे अदनान भाई ये पकौड़े लेने जाएंगे नीचे से। कितने के पकौड़े लेकर आओगे अदनान साहब? 200-300 रुपए के। डॉन किधर जा रहा है? Oh, oh, oh.
जी हमने इफ्तारी शफ्तारी कर ली है, नमाज शमाज पढ़ ली है, तो अब आज का व्लॉग आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।